विश्व गौरैया दिवस की पूर्व संध्या पर आओ हाथ बढ़ाएं संस्था और आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आओ हाथ बढ़ाएं संस्था के सदस्यों और आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूकता का संदेश दिया गया। एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। जागरूकता रैली को आओ हाथ बढ़ाएं संस्था के संरक्षक करण सिंह, संस्था की अध्यक्षा गीतांजलि पांडे और आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल प्रेमंत झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए आओ हाथ बढ़ाएं संस्था की संयोजिका गीतांजलि पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व गौरैया दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। जिसमें आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के सहयोग से इस रैली को निकाला गया, जिसमें आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ ने उन्हें काफी सहयोग किया। आज चूंकि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है, तो विश्व गौरैया दिवस के पूर्व संध्या पर, और आज इतवार भी है, कल से शायद पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं, इसलिए कल नहीं उतने अच्छे से हो पाता, इसलिए हम लोगों ने आज एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके इस रैली का आयोजन किया है, जिसमें आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल श्री हेमंत कुमार झा और यहाँ के स्टाफ ने बहुत हमें सहयोग किया है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। क्या मतलब क्या उद्देश्य रहा पूरा, मतलब जो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम सबको ये जागरूक करना चाहते हैं कि अपने लिए तो सभी सोचते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती है, तो बिना कहे हम अगर सामने वाले की पीड़ा को समझें तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जो गर्मी का मौसम आ रहा है, मेरी सबसे अपील है कि आप लोग अपने अपने छतों पर बर्तन में पानी और चिड़ियों के लिए दाना ज़रूर रखें, क्योंकि उन्हें हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकें, कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं उनके बेघर होने के। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वो अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। उन्होंने सबसे अपील की है कि सब लोग अपने अपने घरों की छत पर बर्तन में पानी और चिड़ियों के लिए दाना अवश्य रखें, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था वो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है उनके बेघर होने के। और मैं उसको कोशिश करूंगा, 31 नहीं, जहां पर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि स्पेस की भी नीड रहती है, तो ये चीज मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये इसका एक पहला इवेंट। मैं एक्चुअली साईं गार्डन पर रहता हूं, और सबसे अच्छी बात है कि 14 हमारे पास पार्क है वहां पर, और इतने बढ़िया बढ़िया पार्क है, उसमें से अभी हमने 4 पार्क डेवलप करा दिए हैं। मैं कल कोशिश करूंगा कम से कम 10-12 जो गोरिया के जो वुड वाले घर बने हुए हैं, मैं हर एक पेड़ पर लगाने की कोशिश करूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। सेकेंडली, बहुत सारी बातें तो नुक्कड़ नाटक ने कही दी, जो मैं भी कहना चाह रहा था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो कम से कम आज से एक प्रयास करें कि अपने घर एक छोटा सा जिसमें दही जमाते हैं लोग, आजकल कुंडा उसे कहते हैं, वो यहाँ दुर्गा मंदिर पे मिल जाते हैं 30-40 रुपए का,
वो अपने घर के ऊपर रखें, एक बड़ा कुंडा और एक छोटा कुंडा, बड़े कुंडे में पानी रखें और छोटे कुंडे में स्वच्छ दाना रखें। तो आज से ही एक मुहिम स्टार्ट हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर में से 40 बच्चों ने 10 बच्चों ने भी करा तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग हुआ उन बच्चों के थ्रू। तो सब बच्चे देखिए, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल और आओ हाथ बढ़ाएं जो एक NGO है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से विश्व गोरैया दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग ये सिर्फ अपेक्षा करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गोरैया जो कि विलुप्त होता जा रहा है, इसको हम कैसे बचाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन की बात है, जैसे क्लीननेस की बात है, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम गोरैया को बचा सकते हैं। जैसे कि अभी बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि जो हम अपने घर के ऊपर जो है दो कंटेनर लगाएंगे, एक कंटेनर में ग्रेन्स डालेंगे, वाटर डालेंगे, और जैसे टेम्पटेशन के जो हमारे कर्मवीर सिंह साहब हैं उन्होंने कहा कि जितने सारे टेम्पटेशन के ब्रांचेज हैं और हमारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर हम घोंसले बनाएंगे, हम गोरैया को, गोरैया ही नहीं फिर सारी पक्षियाँ जो भी हैं उनके लिए, क्योंकि दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती है पक्षियों को बचाने के लिए, एक होता है दाना पानी, दाना और पानी। तो दाना के लिए कंटेनर हो गया, पानी के लिए कंटेनर हो गया, और घोंसला यदि बना दे तो आपने आवास बना दिया। यानी कहते हैं जो तीन आवश्यक चीज़ें हैं जो कि भोजन, वस्त्र और आवास, तो वस्त्र की तो उनको आवश्यकता है नहीं, भगवान ने खुद दिया है, तो भोजन और आवास दोनों की व्यवस्था यदि हम कर दें तो मुझे उम्मीद है कि जो सिर्फ गोरैया नहीं बल्कि और भी जो विलुप्त प्राणी हैं या फिर जो पक्षी हैं उनको हम बचा सकते हैं। यही हम रैली के थ्रू जो है हम समाज में संदेश देना चाहते हैं।